नमस्कार मंडली, वेलकम बैक टू माय चैनल सुकून व्लॉग्स। और अभी नवरात्रि जैसे कि स्टार्ट हो चुकी है और नवरात्रि की जो शॉपिंग है वो भी लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग चल रही है। अभी आई हूँ भुलेश्वर मार्केट में। भुलेश्वर मार्केट में यहाँ पे पांडवापुर गली है, उस गली के एग्जैक्ट बाहर मैं खड़ी हूँ। आप यहाँ पे एक बार ये बाटा शोरूम देखिए, तो बाटा का एक शॉप है, वहाँ से एग्जैक्ट बाहर ही हूँ मैं यहाँ पे। ये वाला जो शॉप है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है नवरात्रि के लिए। मैंने लास्ट ईयर भी यहाँ का कलेक्शन दिखाया था। आज जो है मैं आज आपको ए टू जेड चीज़ दिखाने वाली हूँ, क्योंकि इस साल का जो कलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है। तो फिर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या क्या चीज़ पसंद आ रही है और क्या क्या चीज़ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हम पहले नवरात्रि के जो हम कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जो होते हैं चनिया चोली, वो हम दिखाने वाले हैं, जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं। ये आपको सैंपल के लिए यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके के नवरात्रि के जो वेयर है, आपको जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है गुजरात का, चनिया चोली, वो इस तरीके से मिल जाएगा। ये जो है ये लुक थोड़ा सोबर है, एक ही कलर है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर के लेस लगाए हुए हैं, जो कि आपको प्रॉपर गरबा वाइब दे देगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आप आएंगे तो ये वाला जो है घाघरा चोली, ये बहुत ही ज़्यादा दिखने में सुंदर है। ये वाला देख लीजिए ये कितना ब्यूटीफुल है। एक तो ये कलर बहुत ही डिफरेंट है और साथ ही साथ इसके ऊपर ये जो वर्क है इसको केड़िया बोलते हैं, केड़िया वर्क किया हुआ है। और साथ ही साथ इसको ये जो ट्राइंगल शेप में लेस लगाई हुई है, पट्टी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लुक आ रहा है इसका। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है ये कॉस्ट्यूम, एकदम सिंपल सोबर भी लग रहा है और प्रॉपर नवरात्रि का जो आपका गरबा जो रहता है उसमें प्रॉपरली मैच हो जाएगा। साथ ही साथ आपको अगर इस तरीके के नवरात्रि के लिए कपड़े लेने हैं तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। इस पर सीक्वेंट वर्क किया हुआ है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पे जो इसका बॉर्डर है सब जगह पे सीक्वेंट वर्क किया हुआ है और बीच बीच में छोटे छोटे पैचेस डाले हुए हैं। एंड ब्लाउज का जो स्लीव्स है उसको भी ये जो इसका बॉर्डर है उस हिसाब से बनाया गया है। वाइट कलर में भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा चनिया चोली, इसके ऊपर हल्का सा रेड कलर का टच दिया है, उसमें भी सीक्वेंट वर्क है, पर इसके जो है वो ज़्यादा सीक्वेंट वर्क किया है। यहाँ पे जो है ये सारे अलग कलेक्शन है, यहाँ पे देख लीजिए। इस तरीके की आपको फुल लेंथ घाघरा मिल जाएगी, ये देख लीजिए। ये जो है ये बहुत ही डिफरेंट लुक है इसका। इसको साइड पे यहाँ पे जिप दिया हुआ है और यहाँ से आप इसको डोरी बांध सकते हो। ये थोड़ा सा बड़ा साइज में है, आपको चाहिए तो आपको थोड़ा सा अल्ट्रेशन ऊपर से करना पड़ेगा आपकी जो वेस्ट साइज है उधर से, या तो फिर आपको ये टाइटली नॉट बांधना पड़ेगा। और इसका जो घेर है बहुत ही ज़्यादा घेर है, ये 12 मीटर घेर है। और यहाँ पे आप ऊपर देख लीजिए, ये ऊपर टोपी है जो हम नवरात्रि के टाइम में साथ ही साथ यहाँ का जो ब्लाउज का कलेक्शन है वो बहुत बहुत यूनिक है। और यहाँ पे इस तरीके की ब्लाउज मिल जाएगी आपको, मिरर वर्क भी है, नीचे केड़िया भी लगाए हुए हैं एंड बैक साइड से इधर हुक है एंड इधर से डोरी है। एंड ये देख लो डार्क कलर में एंड इसके ऊपर मल्टी कलर वर्क रहता है। अरे सब एक ही साइज आता है। पर्पल कलर जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, हर एक चीज़ में पर्पल ट्रेंड कर रहा है। इसको आप किसी भी कलर के लहंगे के साथ पहन सकते हो, हर एक में मैच हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो वर्क है वो पूरा मल्टी कलर का वर्क है। एंड दी बेस्ट गोल्डन कलर, जो हर एक किसी भी कॉस्ट्यूम के साथ मैच हो जाए वैसा कलर है।
ये देख लीजिए, ये सारे जो है ये सारी जैकेट्स है जो कि हम जीन्स और इनर पहनते हैं उसके ऊपर। आप बोलो 600 का है, 550 है, 550 वहाँ पे धोती वगैरह और ब्लाउज पहनना चाहता है। यहाँ पे जो है ना एक कलर के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्लाउजेज है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कलर का उन्होंने सेट लगाया हुआ है, ये देख लीजिए ग्रीन कलर का जो ब्लाउज है, इस तरीके से फुली वर्क है, इसके ऊपर पूरा वर्क किया हुआ है। यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से है, और ये देखो पीछे से इसका इस तरीके से लुक आएगा। बहुत ही अच्छे से इसको फिनिशिंग दी हुई है। एक्चुअल में जो रेडीमेड ब्लाउजेज आते हैं उसका फिनिशिंग सच बोले तो इतना फिट नहीं बैठता है जितना यूजुअली आप बाहर खरीदते हो, पर इनका जो नवरात्रि का जो स्पेशल ब्लाउज है रेडीमेड, वो बहुत ही प्रॉपरली डिज़ाइंड है, आपका जो बॉडी रहेगा उस पर प्रॉपरली फिट बैठेगा। हार्डली अगर लूज हुआ तो उसको थोड़ा सा अल्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबका सेम साइज रहता है यूजुअली। और साथ ही साथ ये देख लीजिए, ये वाला ग्रीन कलर का कलेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस पर आपको सीक्वेन वर्क भी मिलेगा, इस पर आपको मिरर वर्क भी मिलेगा। यहाँ पे इसकी दोरी है ये बैक साइड पे, ये देख लीजिए। इसके नीचे आप कोई भी कलर का लहंगा अगर आपने वेयर किया, येलो या फिर पिंक या तो फिर ग्रीन या तो फिर वाइट ब्लैक, हर एक कलर इस पर सूट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो कलर है ये मल्टी कलर का वर्क किया हुआ है। तो इसके ऊपर जो है ना, अगर आपको चाहिए तो आप प्लेन घाघरे ले सकते हो, जो कि वो भी इनके पास अवेलेबल है। यहाँ पे जो है ये सारे जो घाघरे हैं लॉन्ग स्कर्ट जो आप बोलते हो, वो पूरे घेर वाले, एकदम लॉन्ग घेर वाले एंड प्लेन कलर में। तो अगर आप एक प्लेन कलर का इस तरीके से घाघरा ले रहे हो, तो इस तरीके से मल्टी कलर में ब्लाउज आप खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको इस तरीके के दुपट्टे भी मिल जाएंगे, जो कि आप नवरात्रि में यूज़ कर सकते हो। अगर आप मिसमैच करके कपड़े ले रहे हो, जैसे कि घाघरा अलग ले रहे हो, ब्लाउज़ अलग ले रहे हो, तो आपको इस तरीके के दुपट्टे की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये देखेंगे ये जो है, आप किसी भी वाइट कलर के घाघरा और उसके ऊपर कोई भी एक इस तरीके के कलर का ब्लाउज़ वेयर करके इसको वेयर कर सकते हो। इसको आप प्रॉपरली ना गुजराती स्टाइल में वेयर करोगे तो इसका लुक काफ़ी सुंदर आएगा। इस तरीके से आपको इसको वेयर करना है, और यहाँ से इसको आपको आपका जो घाघरा रहेगा वहाँ पर आपको इसको टकिंग करना है, तो इसका लुक काफ़ी सुंदर आएगा। और साथ ही साथ आपको इसके ऊपर यहाँ पे एक बेल्ट पहनना है, जो कि यहाँ पे इनके पास बेल्ट भी है, तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। दुपट्टा जो मैंने अभी आपको दिखाया उसी में ये देख लीजिए, सेम पैटर्न है, सिर्फ कलर डिफरेंट है। ये देखिए इनके पास कलर्स की ना ज़रा भी कमी नहीं है, कलर्स इतने ज़्यादा कलर्स है और इतना डिफरेंट डिफरेंट वर्क है इनके हर एक कपड़े के ऊपर। एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पे इतना ज़्यादा कलेक्शन है, मैं एक एक चीज़ नहीं दिखा पा रही हूँ। ये दुपट्टा देख लीजिए, ये ब्लैक तरीके से आपको दुपट्टा भी मिलने वाला है। ये आप किसी भी प्लेन आपका जो कॉस्ट्यूम रहेगा ना उसके ऊपर वेयर कर सकते हो, पूरा आपका लुक चेंज कर देगा। और साथ ही साथ इसके ऊपर आप वो जो मल्टी कलर बेल्ट है वो वेयर कर लेना, और थोड़ा ज्वेलरी वेयर कर लेना जो कि मल्टी कलर में रहेगा। हर एक चीज़ बहुत ही परफेक्टली जाएगी और बहुत ही अच्छी दिखेगी। इसके ऊपर जो है पूरा मिरर वर्क किया हुआ है, पूरा मल्टी कलर दुपट्टा है, प्रिंट है अलग अलग, ये देख लीजिए। इसके ऊपर मल्टी कलर का प्रिंट है और साथ ही साथ मिरर लगाए हुए हैं, और साथ साइड पे सिर्फ एक गोल्डन बॉर्डर दी है। एकदम बेसिक है पर दिखने में बहुत ही डिफरेंट लुक आ रहा है। वैसे में इनके पास बहुत सारे मिरर हैं, ये देख लीजिए। इसमें आपको डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न, ये देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये बांधनी का लुक है इस पर, के पास अगर ब्लैक कलर का लहंगा रहेगा तो उसके ऊपर भी बहुत ही सुंदर दिखेगा। ये 600 का है पर दुपट्टा, क्योंकि इसके ऊपर मिरर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, इसके लिए इसका प्राइस ज़्यादा है। ये वाले जो ब्लाउजेज मैंने आपको दिखाए कलरफुल वाले, वो सारे हैं 600 के। जो मैंने आपको दुपट्टे दिखाए थे अभी, से जो लॉन्ग लॉन्ग दुपट्टे दिखाए थे मैंने, वो है 450 के। ब्लाउज जो अभी मैंने दिखाए ग्रीन कलर का जो कलेक्शन था, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिखने में
ब्यूटीफुल दिख रहा था, वो सारे जो लगे हुए वो है 1200 के। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइजेज है। आप में अगर बार्गेनिंग स्किल है थोड़ा बहुत ट्राई कर लीजिए, अगर आपकी स्किल्स काम आ जाएगी तो फिर वेल एंड गुड। और साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर गुजराती अटायर वेयर करें धोती के साथ जैकेट के साथ, तो उसका लुक कम्प्लीट करने के लिए आपको ये पहनना पड़ेगा जो कि है पगड़ी, जो कि इसको आप इस तरीके से वेयर कर सकते हो। और इसका प्राइस है 1000 रुपीज़। ये जो है ये हेड को कवर करेगा, एकदम कड़क रहेगा, गिरने का कोई चांस नहीं है, कितना भी आप गरबा खेल लो। इसका प्राइस है 1000 रुपीज़, ये देख लीजिए। इसका 1000 रुपीज़ रखने का भी एक रीज़न है। पहले तो ये प्रॉपरली अंदर से पहले एकदम हार्ड है, ये ऐसा नहीं है कि ये सॉफ्ट मटेरियल है, ऊपर से यहाँ पे जो है अंदर प्रॉपरली कवर किया हुआ है, सॉफ्ट है अंदर से, बाहर इसको प्रॉपरली एक दुपट्टा या फिर जो पगड़ी को बांधते हैं वो है उससे कवर किया है। उसके ऊपर यहाँ पे इसको इतना सारा डिज़ाइन दिया हुआ है, इतना सारा उसको लेस लगाया हुआ है मिरर वर्क वाला, ये देख लीजिए इतना ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है। 1000 रुपीज़ इज ओके। अगर आपको नवरात्रि इतना पसंद है, गरबा इतना पसंद है, तो 1000 रुपीज़ कुछ भी नहीं है, चाहिए तो थोड़ा बार्गेनिंग कर लेगा। ये पहन सकते हो, ये टोपी है, यहाँ पे इस तरीके की टोपी भी मिलते हैं जो कि बहुत ही दिखने में सुंदर है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाले हैं, ये देख लीजिए। और अगर आप ये भी नहीं वेयर कर रहे हो, अगर आप घाघरा चोली वेयर कर रहे हो तो ये ज़्यादा सूट नहीं करेगा, तो आपको ये पहनना पड़ेगा। अगर आप ये इस तरीके से दिखने वाला है। ये जो आप चनिया चोली वेयर करने वाले उसके ऊपर भी आप बहुत ही सुंदर दिखेगा। आपका बेल्ट का लुक आना चाहिए जो कि ये है, इस तरीके से अगर आपका बेल्ट का लुक आएगा तो फिर बहुत ही सुंदर दिखेगा। पिछले साल आए थे आगे भूल गए। ये देखो इस तरीके से, ये एक नया स्टाइल आया है जो कि पॉकेट के साथ है। आपको इस तरीके से ये देखो, इसमें आप अपना मोबाइल भी रख सकते हो ताकि खेलते वक्त आपको कहीं पे और रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसमें आपको ये पॉकेट भी हो गया और साथ ही साथ आपका बेल्ट भी बन गया। ये वाला एक और डिज़ाइन है, ये देखिए। ये सारे जो बेल्ट्स है यहाँ पे, ये सारे 450 के हैं। थोड़ा बार्गेनिंग करोगे आपको अच्छे खासे रेट में मिल जाएगा। इसमें आपको थोड़ा अपना बार्गेनिंग स्किल यूज़ करना है, ये देखिए। ये देखो फ्रेंड्स, ये वाले किस तरीके के डांडिया भी आपको मिल जाएंगे जो कि आप खेलते वक्त यूज़ कर सकते हो। इस तरीके के भी डांडिया आप ले सकते हो, ये देखो। ये थोड़े साइज में छोटे हैं, देखो कलर्स हैं। इस तरीके के भी डांडियाज आप खरीद सकते हो। और ऐसे वाले ये जो है, ये प्रॉपर वुडन के डांडिया है, हैवी है। अगर आप इससे खेल रहे हो तो थोड़ा सेफली खेलना, सामने वाले के हाथ को लग सकता है। ये जो पुराने स्टाइल में डांडिया खेलते हैं ना, प्रॉपरली जो गुजराती स्टाइल में, वो इस डांडिया से खेलते हैं। वुडन है ये पूरा और हैवी भी है। ये ए टू जेड चीज़ तो मैं आपको नई वीडियो में दिखा सकती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो इतना रश है, इतना धूप है और पूरा रस्ता जो है क्राउडेड है। और ये जो है, ये लास्ट का चीज़ बताना बाकी रह गया था जो कि हम आगे कड़े वेयर कर ले, जो ये देखिए कड़े 180 रुपीज़ का एक कड़ा है, ये 180 का है। तो आप इसमें थोड़ा सा बार्गेन कर सकते हो, 30-40 रुपीज़ कम हो जाएगा, ये देख लीजिए ऐसे में है। इसके अंदर छोटी छोटी गुगरी लगी हुई है, तो इसका आवाज़ इतना है, ये देखो। और अगर आप ये ऐसे में वेयर नहीं कर रहे हो, अगर आपका कॉस्ट्यूम मल्टी कलर में है तो आप ये मल्टी कलर वाले भी यूज़ वेयर कर सकते हो। ये देखो, ये पूरा कड़ा है, इसको आप किस तरीके से वेयर करना है। ये पैकेट पूरा किया हुआ है, इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर लूँ। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह वीडियोस देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे जो कुछ भी आपको पसंद आ रहा है, जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स आपको चाहिए, जो कोई अगर न्यू प्लेस में विजिट करूँ उसके लिए भी कमेंट कीजिए। एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्रेस द बेल आइकन ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन स्टे ट्यून एंड टेक केयर।